चलो, सो आई होप सबका पेपर अच्छा गया है और अभी हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं एंड यू कैन मैच योर आंसर। चलो लेट अस बिगिन। तो मेरे पास आई थिंक ये सेट ए है, मतलब सेट वन है। पहला क्वेश्चन जो है कि मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75, मॉडल क्लास इज 65 to 80, फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास इज 6, सक्सीडिंग मॉडल क्लास इज 8, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है मोड इज इक्वल टू, मोड इज 75, दैट इज इक्वल टू एल लोअर क्लास लिमिट 65 प्लस F1 माइनस F0, F1 हमें नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F0 प्रिसीडिंग क्लास इज 6 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस प्रसीडिंग माइनस सक्सीडिंग, तो -14 में एक साथ लिख दे रहा हूँ। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा स्टेप्स कम लिखूंगा। 65 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो 10 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20F1 -140 एंड दैट वुड बी इक्वल टू F1 -6 एंड दैट विल गिव अस 26F1, सॉरी 20, नॉट 26, 20F1 -F1 दैट विल गिव अस 19F1 इज इक्वल टू 134। इसमें कुछ गलती हो रही है आई गेस। 20F1 और 140, इधर F1 -6, 19F1 134, इससे तो सर इनटू एच H मिस हो गया, ये सब चेंज करना पड़ेगा इसको। 15 हमारा क्लास साइज है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20F1 -140 इज इक्वल टू 15F1 -90, दैट गिव्स अस 5F1 इज इक्वल टू 50 आई गेस। यस, और F1 की वैल्यू 10 आ गई। आ रही थी सबकी है? ठीक यस सर। है, नाइस। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। तो ये एपी का क्वेश्चन है। बिटवीन जब होता है तो हम पहला और आखिरी नंबर नहीं लेते हैं, तो अगर हम 5 के मल्टीपल्स की बात करें तो वो एपी बनेगी 5, 10, 15 से लेते लेते लास्ट इज 995। और अभी मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ए एन ले लेंगे 995, ए वन इज 5 या ए इज 5, डी बी 5 है, उससे नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर नॉट बाय 2 भी है ना, तो फिर 515 होगा ना सर। हम डी 10 ले सकते हैं अभी, नॉट बाय 15 वाले, नॉट बाय 2 वाले मैं हटा दूंगा, तो डोंट वरी। तो 5 वाले हैं। अच्छा, ये तो हम तीन, मैं तो तीन स्टेप में कर रहा हूँ, क्या तुम लोग किसी एक ही स्टेप में बोल रहे हो, किस क्या ले लिया जाए, क्या बोल रहे हो? सर 5 के बाद 15 लेंगे तो हो जाएगा ना, और उसके बाद फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव अच्छा, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे, बिकॉज जो जनरल मेथड है, ये तो दोनों प्राइम नंबर हैं इसलिए ये फिट बैठ जा रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जनरल मेथड क्या है कि 5 वाले निकाले, 2 वाले निकाले और फिर दोनों के कॉमन, दोनों के एलसीएम वाले निकाले और सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन सिंस ये दोनों ही प्राइम नंबर है इसलिए ये मेथड भी वर्क कर जाएगा जो अन्य बोल रही है, एंड दैट इज गुड ऑल्सो, शॉर्ट मेथड। तो ये 5 वाले थे, 2 वाले अलग करने पड़ते हैं, बट सिंस हमें पता है कि 5 के सारे मल्टीपल इवन और ऑड के ऑर्डर में होंगे, कि 5 ऑड है, 10 इवन है, 15 ऑड है, 20 इवन है, तो इवन वाले हैं वो सारे 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, वो हमें लेने नहीं है। तो हम डायरेक्टली एपी ले सकते हैं 5, 15, 25 एंड सो ऑन, लास्ट इज 995। तो इस एपी का एन स्टम मान लेते हैं, इस एपी में एन टर्म्स हैं, तो एन स्टम हो गया 995, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 5। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता हूँ, 5 को उधर ले गया पहले इस वाले 5 को, तो 990, 5 से डिवाइड किया, 990 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 198, 990 को 5 से 198 आएगा। सो यहाँ पे डिफरेंस 10 हो जाएगा ना?
क्या हो गया, हर क्वेश्चन में गलती हो जा रही है। यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 10 हो गया, 990, तो n माइनस 1 आ जाएगा 99 और n की वैल्यू आ जाएगी 100। तो देयर आर 100 सच नंबर्स। मैच कर रहा है सबका? यस। बाकी लोग, पार्थ, आरवीर, किया था ये वाला क्वेश्चन? सर मेरा सेट अलग है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सही है आंसर। ठीक है, कुछ थर्ड का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स इज -b/a, जो कि हो जाएगा 11/k। दिस इज 13/21 मोर देन प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो आ जाएगा k-23/k, और इससे 13/21 ज्यादा। ठीक है, एलसीएम लेने के बजाय आई वुड प्रेफर कि हम इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, क्योंकि दोनों के अपॉन में के है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 23 प्लस में हो जाएगा, सो दैट वुड बी 34-k/k इज इक्वल टू 13/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 × 34 6 30 and 84 714 आई गेस। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक लग रहा है। -21k इज इक्वल टू 31k, और यहाँ से आ जाएगा 42k इज 714, और k की वैल्यू आ जाएगी 714/42। विच शुड बी 714/42, साइड में कर लेते हैं कहीं। 714 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 से भी हो जाएगा, तो 17 आ रही है के की वैल्यू। किया था किसी ने? नो सर। हमने सेकंड पार्ट किया होगा, विच इज गुड, क्योंकि सेकंड पार्ट ज्यादा इजी है। एक्स इज इक्वल टू -2 कॉमन सोल्यूशन है दोनों इक्वेशन को, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। पहले इक्वेशन है -2 डालेंगे तो 4a+ -2 तो -2 हो जाएगा, -3a = 0, दैट गिव्स अस a = 2। दूसरी इक्वेशन है -2 डालेंगे तो वो आ जाएगा 4-2b+b = 0, और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। a 2 है, 4 है, तो a² भी आ जाएगा 16। कर रहा है मैच? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक ये सेट वाइज था, एक में मीन पूछा गया था, एक में मीडियन और एक में मोड। तो ये तो काफी छोटी वैल्यूज है, वी कैन गो फॉर डायरेक्ट मेथड। तो मीन हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लास मार्क्स वाइज जो कि 2.5 नहीं, इसका 3 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, एंड देन इसका 7 × 8 = 56, 76, 77 और 90। तो सबका सम हो गया ये 167, 179, देन 56 और ऐड करना है 335 आ रहा था क्या? कोई वेरीफाई करेगा? किसी का था ये सेट? तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यस सर, 235। 335 सर, 9 point something आ रहा था मेन। 235 तो नहीं आ रहा है सर? 235 नहीं नहीं 335 नहीं 235 है। ठीक है, अरे तो हाँ। आ जाएगा, सही बोल रहे हो पार्ट, 9 point something ही आएगा, तो 9 × 225 एंड देन 9.4 आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, बाकी जिनके में मीडियन या मोड था वो क्वेश्चन भी मेरे पास होंगे तो मैं वो करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद सेंटर O, दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है,
लेंथ ऑफ ए सी निकालनी है और ए क्यू गिवन है, ए क्यू इज 5, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, टेंजेंट्स है, तो ए क्यू निकालने के लिए मैं इधर ज्वाइन कर लेता हूँ इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ. सर सर ये सीधा नहीं हो जाएगा सर? सर ए आर इक्वल हो जाएगा ए क्यू के, और सर कॉर्ड है तो सर सेंटर से सर एक लाइन खींच देंगे आर्ट को, और सर ए आर इक्वल टू आर सी हो जाएगा सर. इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया ना परपेंडिकुलर, ठीक है, तो 10 हो जाएगा एसी. फाइन, आई थॉट तो पाइथागोरस लग रहा होगा, ठीक बोल रहा है अरविंद. डायरेक्टली हो जाएगा ए क्यू और ए आर इक्वल है तो ये भी 5 हो जाएगा. टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ओ से लेके अगर हम आर को ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो यहाँ पर हमें ओ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड क्लास 9 के थ्योरम, तो ये भी 5 हो जाएगा. ओवरऑल इसका आंसर 10 हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है. 6 का ए पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन. सी एस ए दे रखा है सिलेंडर का, 2πRh = 176. वॉल्यूम दे रखा है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच इज 1232. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर बाई 2 हो जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो आई गेस ये 22 से तो हो रहा है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, 5 टाइम्स 6 टाइम और 8 और 56 कैंसिल, 7 टाइम्स. R by 2 is 7, यहां से R की वैल्यू आ गई 14, और एक बार हमें R मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2πRh = 176, 7 और 14 कैंसिल, 22 से 176 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, H is equal to 2 आ रहा होगा. कर रहा है मैच? Yes sir. Yes sir. ठीक है, इसी में और पार्ट है कि एक क्यूब से लार्जेस्ट स्फीयर कार्व आउट किया गया है, और क्यूब की साइड है 21, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ. अगर एक क्यूब के अंदर से स्फीयर निकालेंगे तो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा. दैट मींस जो हमारा स्फीयर है उसका डायमीटर है 21, मतलब रेडियस है 21/2. इसका वॉल्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला 4/3 आर क्यूब, 21/2, 21/2, 21/2, 21 तो एक कैंसिल हो गया, 2, 2, 4 कैंसिल हो गया, 1, 2 से ये कैंसिल हो गया, और अब तो बस कैलकुलेशन है, 441 × 11, 441 × 11, तो ये हो गया 232. क्या 232? ऐसे भाई 441 × 11 है, 4000 से ऊपर आएगा ना? सर 4851. यस सर 4851. 4851 और यूनिट लिखना नहीं भूल रहे होंगे आप लोग, आई होप. सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने सेम एंगल के साथ कराया क्योंकि यही स्टैंडर्ड एंगल है, आई होप सबने बना लिया होगा. 4 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस के बेस का एंगल 120, कोई भी रेडियस बना दी, दूसरा रेडियस बनाया 120 एंगल बनाते हुए यूजिंग कंपास, ये रहा 120 का एंगल, और फिर दोनों से 90-90 का एंगल बना दिया, ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो आई होप कर ही लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ा दिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे दिया, इसको मैं ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which this equation is real and equal to. तो पहले तो हमें इस equation को standard form में लिखना होगा. तो अगर मैं ये equation पहले तो multiply करूँ, P times x square minus 6x plus 8 plus x minus 1 square is x square plus 1 minus 2x. This should be equal to 0. अब x square के टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो P प्लस 1 आ जाएगा, x वाले टर्म एक साथ ले लेंगे तो इधर माइनस 6p है और इधर माइनस 2 है, तो मैं बाहर माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ ताकि अंदर प्लस आ जाए. माइनस
6p प्लस 2 टाइम्स एक्स और कांस्टेंट में आ जाएगा 8p प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है दैट मींस इट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 6p प्लस 2 होल स्क्वायर, मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, ओके स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस 4ac 4 टाइम्स पी प्लस 1 इंटू 8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैसे 10th लेवल के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा हो गया फॉर श्योर। फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 36p स्क्वायर एंड प्लस 24p प्लस 4 माइनस 32p स्क्वायर और 9p एंड माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस पी में फिर से लेट मी सी 8p और 9p इंटू 4, तो माइनस 36p और कांस्टेंट में माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये फिर से एक क्वाड्रेटिक आ गई पी में 4p स्क्वायर एंड माइनस 12p और 4 और 4 कैंसिल हो गए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ से पी की दो वैल्यू मिल गई, 4p कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस 3 बचेगा, या 4 पहले कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो। तो पी की दो वैल्यू मिल गई 0 और 3। हमेशा ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक की एसेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं पी की वैल्यू 0 रख दूंगा तो चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दो आंसर आएंगे। क्या किसी ने ये क्वेश्चन किया था? Yes, sir. No, sir. दोनों आंसर आए 0 और 3। Yes, yes. ठीक है, फाइन, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक की। कह रहा है हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 35 मार्क्स, 7 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन द टेस्ट। तो मान लेते हैं उसको x मार्क्स मिले हैं। Now the question says कि अगर उसने 8 एक्स्ट्रा किए होते, मतलब अगर उसने x प्लस 8 किए होते तो 7 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स, 7 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स x स्क्वायर और उससे 4 लेस। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 60, यस। और अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज में दो नंबर हमें मिलना है 12 और 5, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड देन वी हैव गॉट टू स्कोर 12 एंड माइनस 5, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव एटलीस्ट इन योर सिलेबस। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो उसने 12 मार्क्स स्कोर किए होंगे। इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि यू कुड हैव वेरीफाइड योर आंसर। क्या सबका आ रहा है 12? यस सर, यस सर, यस सर। करना हो तो भी कर सकते हो कि अगर 8 ज्यादा किए होते, मतलब 20 किए होते और 20 के करंट मार्क्स के 7 टाइम्स दिस मार्क्स, सॉरी 140, और वो होते करंट मार्क्स के स्क्वायर से 4 कम, 12 स्क्वायर 44 माइनस 4 140, मैच कर रहा है, मतलब क्वेश्चन भी क्लास में हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। तो स्पेस थोड़ा कम है, सब लोग कौन सा स्पेस में यूज करूँ, चलो डायग्राम के लिए तो मैं छोटा सा कर लेता हूँ। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये, बस हमें देखना है कि किस प्लेन की हाइट दे रखी है। तो एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव, तो जिसकी बात हो रही है वो ऊपर है, मतलब ये जो हाइट है, मान लो ये ग्राउंड है, ये जो हाइट है पूरी हाइट, दैट इज गिवन एज 3125। सो इट्स मेंशन वर्टिकली बिलो है। अच्छा नो सर, बिलो वाले बिलो ना, अच्छा सॉरी सॉरी, देख रहा था। तो मतलब उसके नीचे वाले प्लेन की दे रखी है हमें हाइट 3125,
इसको एच मान लो जो पूछा गया है हमसे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, और दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं पॉइंट से 30 और 60। यूजुअल क्वेश्चन, दो ट्राइंगल है, एक में दोनों में लगा देंगे हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड वी विल गेट द अननोन। ये ग्राउंड के डिस्टेंस को x मान लो, तो tan 30 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/√3 इज इक्वल टू 3125/x, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 3125√3। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी tan 60 विच इज √3 इज इक्वल टू h प्लस 3125 डिवाइडेड बाई x, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है 3125√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3125 × 2 मतलब 6250 यूनिट जरूर लिखेंगे मीटर। ठीक आ रहा है सबका आंसर? यस सर। 6250 डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हो गई यहाँ पर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11A। ये क्वेश्चन सबको क्लास में याद कराया गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता yes, है मुझे लगता है कि क्या अच्छा 10th क्वेश्चन रह गया। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ 30 टर्म्स इज 119, मतलब 30th टर्म हमें दे रखा है। 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज 91, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो बहुत इजी हो गया। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, L8 बोल दूं मैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड L8 इज 91, इट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 मतलब 7 इंटू डी, डी हमें नहीं पता है तो यहाँ से आ जाएगा 7D इज इक्वल टू 28 एंड D इज इक्वल टू 4 आ गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन मिल गया अपने को, और D मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, An को लास्ट टर्म ले लिया 119 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन, टोटल टर्म्स है 30, तो लास्ट टर्म एन टर्म जो हो गया वो 30th टर्म हो गया 29 इंटू डी, उससे ए की वैल्यू मिल गई 3 मिल गई आई गेस। ए पता है, डी पता है और एल भी पता है, तो सम निकल आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, एस एन हो जाएगा 30/2 15 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो कि है 119 और 3, तो 122 और मल्टीप्लाई तो कर ही लिया होगा 1830। आ रहा था आंसर? यस सर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज आई टोल्ड क्लास में, आई थिंक पहला क्वेश्चन मैं यही कराता हूँ चैप्टर सर्कल से, सबको याद होगा, हमें प्रूफ करना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो पेरीमीटर का हाफ है। तो PM को हम लिख लेंगे PQ प्लस QM, और QM इज इक्वल टू QS है बाई थ्योरम, तो PQ प्लस QS। इसी तरह से PN को लिख लेंगे PR प्लस RS, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, PM प्लस PN आ जाएगा। अब दोनों राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा तीनों साइड, PQ प्लस QR प्लस PR, और फिर PM और PN भी इक्वल है तो इसको 2 times PM लिख सकते हैं, और PM की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR, दैट इज द प्रूफ। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इस फिगर में ABC ट्राइंगल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeter को, सच दैट BD6, ये सब तो दिया ही है, BC 6 and 8, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 84, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं। क्या यहाँ हीरोज यूज हुआ था या डायरेक्टली हो गया था? ये भी 6 हो गया, ये x मान लेते हैं, ये भी x हो गया और ये 8 हो गया। हाँ गाइस, क्या ये रेडियस देने हीरोन्स यूज किया होगा शायद? यस सर, हीरोन से फॉर्मूला से हीरोन्स, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, आई थिंक सब डायरेक्ट फार्मूला से भी निकल जाएगा सर, बिना हीरोन्स के भी हो गया था। OA OB और OC ज्वाइन कर ले तो कैसे,
सर ओए ओबी और ओसी को ज्वाइन कर लें तो ओए बी ओबीसी और उनको 84 को इक्वल करते हैं। फिर आगे बोलो, आगे क्या बोला? ओसी को भी ज्वाइन कर, हाँ कर दिया आगे सर, तो फिर तीन ट्रायंगल बन जाएंगे ना, तो उनके एरिया का सम। आई नो बट उसमें एरिया निकाला कैसे तीन ट्रायंगल का, क्योंकि अपने को हाइट थोड़ी पता है सर, रेडियस वो दिया हुआ है ना। अरे yes, अच्छा अच्छा, मैं वही तो शुरू में कह रहा था कि रेडियस ये, हाँ फिर तो एरिया होगा, रेडियस जब एरिया हाइट दे रखी है तो फिर तो डायरेक्ट ही हो गया, तीनों ट्राइंगल करें निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो मान लो ए बी ए ओ बी का निकाल लें तो हाफ 6 प्लस एक्स इंटू हाइट इज 4, बी ओ सी का हाफ 14 इंटू 4 और ए ओ सी का हाफ 8 प्लस एक्स इंटू 4 और ये एरिया 84 है। वी कैन ऑब्जर्व कि हाफ और 4 सब में कॉमन है, मैं कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ, हाफ और 4 से 2 बचा, 2 मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया तो ये 42 रह गया। नाउ वी हैव 6 प्लस एक्स प्लस 14, 8 प्लस एक्स तो ये हो गया 14 और 14 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 42 जो कि हो जाएगा 24, एक्स की वैल्यू शायद 12 आ रही होगी सर, 7 आनी चाहिए। अच्छा 2, एक मिनट सॉरी, 2x की वैल्यू आ गई 24, 12 भी तो आ रही है सर, 2x 14 आएगा ना। अच्छा सॉरी yes. 20, एक मैं 28 को 18 पढ़ रहा था, उसकी राइटिंग में ही कंफ्यूजन हो गया, जगह बहुत कम है इसलिए सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 2x इज इक्वल टू 14 आ गया तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक बोल रहा, सबका सही है, सेंटीमीटर में आएगा और फिर साइड्स तो 13 और 15 हो गए, सही था गाइस? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ऊपर जगह है, ठीक है उसी को यूज कर लेंगे। From the top of a 8 meter high building, angle of elevation of top of a cable tower is 60 and angle of depression of foot is 45. तो अगर top of building से angle of elevation बन रहा है, इसका मतलब cable tower की height building से ज़्यादा है, तो हमें height of tower बतानी है। तो ये मान लेते हैं हमारी building, ये रहा cable tower, तो angle of elevation है 60. This angle is 60. और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, ये 45 उससे ये 45 आ गया, ये 8 दे रखा है, ये भी 8 हो गया, इसको h मान लो, इसको x मान लो और दो ट्राइंगल दो बार रेशियो, दैट विल बी इट। हाइट ऑफ टावर बताना है, मतलब हमें h निकालना है, तो tan 45 लगा देंगे, दैट इज 8 अपॉन x, tan 45 1 होता है तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो x 8 तो ये भी 8, tan 60 लग जाएगा जो कि डायरेक्टली लिख देता हूँ रूट 3, tan 60 इज रूट 3 दैट इज इक्वल टू h बाई x और h की वैल्यू आ गई 8 रूट 3, वैल्यू रख लेना और डेसिमल में निकाल देना, आ रहा था सबका यही आंसर। केबल टावर तो h प्लस 8 नहीं होगा ये सर, 8 रूट 3 माइनस 1 आएगा, मतलब 8 इंटू रूट 3 माइनस 8 रूट 3 प्लस 8 कर देना और रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर देना क्योंकि हाँ यस सर। कुछ और कह रहा है कोई? ठीक है, मूविंग ऑन केस स्टडी, मतलब आखिरी दो क्वेश्चन आ गए हमारे। पहला जो है, मैंने कई बार बताया है कि तुम्हें थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया करो, कई बार या मोस्टली होता है कि हमें वो थ्योरी जो होती है वो काम की नहीं होती है, तो हमारा टाइम बच जाता है। जैसे हम, मैंने अभी नहीं पढ़ी थ्योरी, मैं टेबल देख रहा हूँ, कह रहा बेस्ड ऑन द अबव फाइंड द मीडियन, उसके लिए टेबल की कोई नीड नहीं है, मीडियन हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले सी एफ निकाल लेते हैं, 8, 18, 33, 58, 98, 122 और 140। तो जो हमारा मीडियन क्लास आएगा उसमें जो मिडिल टर्म हमारे वो आ रहे हैं 70 और 71 टर्म, जो कि इस क्लास में आ रहे हैं, तो मीडियन क्लास मिल गई हमें, और एक बार मीडियन क्लास मिल गई फिर तो फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू एल 55 प्लस एन बाई 2 जो कि हो जाएगा 70 माइनस सी एफ अप टू प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास साइज 10।
इसको तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, 55 और ये हो गया 58 आ रहा होगा मीडियन, आ रहा था सबका? यस सर, यस सर। ओके, सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी दे दिया है कि x मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप दिस had enrolled for the camp, find the mean, the mean age would have been 58. अगर ऐसा होता, अगर x आ जाते तो फिर mean age हो जाती 58, तो हमें x की value बतानी है, तो पहले तो हमें current mean निकालना पड़ेगा इसके लिए, और मैं table के ऊपर ही FIXI लिख दे रहा हूँ, I think numbers 10 के multiple में है तो बहुत trouble नहीं होगी, तो मैं direct method use कर रहा हूँ, 20 × 8 = 160, एंड लेट मी थिंक, कोई छोटा मेथड तो होगा नहीं शायद, अगर 58 हो जाएगा, मीन तो चाहिए होगा, ठीक है, 30 × 10 = 300, देन 40 × 15 = 600, 50 × 25 = 1250, 60 × 40 = 2400, 70 × 24 = 1680, and 18 × 18 = 1440. क्या किसी को मीन याद हो तो डायरेक्टली बता सकता है क्या? सर 24.1. I don't think ये होगा. किसी और कोई और आंसर था क्या? सर सेम. 24.1. ये सर इसलिए डाउट था कि 0.1 कैसे आ रहा है. नहीं नहीं 24.1 नहीं हो सकता, लेट मी फाइंड इट देन, तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 0, 4, 12, 3830 आई थिंक कर रहे हैं, तो प्लस करके 23, 6, 12, 16, 18, and 2, 3, 5. 5830 आ रहा था क्या था? कोई है जिसका मैच लास्ट में 830 आ रहा था? एनीवे चलो, और टोटल ऑब्जर्वेशन है 140, हम ऑलरेडी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कर चुके हैं, 0 से 0 कैंसिल और मीन आ गया 4 23 1 देन 996 एंड ठीक है, यहीं पर छोड़ सकते हैं, आई थिंक इसके लिए हमें एग्जैक्ट मीन मिलना चाहिए था, और तुम लोगों का रिस्पॉन्स क्यों आया, क्या वानिका तुम्हारा क्या आ रहा था मीन, बस अन्या तुम्हारा क्या आ रहा था? सो मैंने ऐसे नहीं किया था, वो मैंने 65 to 75 में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक्स ऐड कर दिया था, और डायरेक्टली 58 दिया हुआ था, तो जो FI मैंने अज्यूम मीन मेथड से निकाला, बट उसमें पॉइंट्स में आ रहा था वैल्यू सर, तो एक्स 24.1 ही आ रहे थे। दिस कैन आल्सो बी डन, जो अन्या और वानिका ने किया है कि पहले ही फ्रीक्वेंसी चेंज करके मीन निकाल लो, मैं क्या करूंगा, मैं पुराना मीन निकालूंगा और फिर रेगुलर मेथड जो क्लास 9 में हम सीखते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो नया मीन क्या होगा, ठीक है, यहीं से फिर मूव करते हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ डेसिमल में नहीं लेता हूँ, सो दैट एग्जैक्ट आंसर आए, तो अभी क्या हुआ है सर, इसमें मीन दे रखा है बी वाले पार्ट में, इनफैक्ट अगर मैं ये सम नहीं, सॉरी अगर मैं डिवाइड नहीं भी करता तब भी काम चल जाता हूँ, मुझे तो फाइनली सम चाहिए, ठीक है मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराने मीन की एक्चुअली में एग्जैक्ट नीड नहीं है, 5830 सम आ गया, अब कह रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं जो कि इस क्लास इंटरवल की हैं 65 to 70, तो इसका क्लास मार्क होगी 75, क्लास मार्क हो गया 70, तो जो नेट सम हो जाएगा, जो पुराना सम है वो तो रहेगा ही, प्लस न्यू ऑब्जर्वेशन का सम, तो 70 है हमारी क्लास मार्क इंटू एक्स, 70x, ये रहा टोटल सम, डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई 140 + x, और ये मीन दे रखा है 58, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 5830 + 70x = 58 × 140 वुड बी 8120, 5830 + 70x = 8120 + 58x,
ट्रांसपोज कर लेंगे तो 12x इज इक्वल टू 8120 में सब्ट्रैक्ट करना है 5830 दैट इज 2290 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2290 डिवाइडेड बाय 12 तो इट कैन नॉट बी डेसिमल. तुम लोगों का आंसर डेसिमल में आ रहा था? यस सर, इधर कोई गलती हुई है. सो मैंने 12x इज इक्वल टू 290 आ रहा था. 12x इज इक्वल टू 290 आ रहा है. 190.83. सो मैंने अज्यूम मीन वैल्यू से किया था तो 290 अपॉन 12 आ रहा था. यस सर, 290 अपॉन 12 तो सर 24.1 ही होता है ये. तो फाइनल अच्छा नहीं नहीं वो तो हो ही नहीं सकता. 145/6 आ रहा था मेरा. 145 नहीं तो यही आ रहा है तब. 5830 नए लोग आए हैं. x मोर पीपल अप तो 70x बढ़ गया सम. टोटल ऑब्जर्वेशन ठीक कर रखी है ना. टोटल 140 ठीक है ना. थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन में. 7830 5 की जगह यहाँ 7 आ जाएगा. चलो ये अच्छा हुआ कि बहुत पे मेजर चेंज नहीं है. 7830 और 12x आ गया. अच्छा ये तो काफी कम आ रहा है. 8120 माइनस 7830 अच्छा एक्स की वैल्यू की बात हो रही थी इतनी देर से. मुझे लगा मीन की बात. एक्स तो छोटा हो सकता है बट एक्स शुड बी इंटीजर क्योंकि लोग ऐड हो रहे हैं. 290/12 तो 24.16 आ रही है एक्स की वैल्यू और ये ठीक नहीं है. ठीक है कोई बात नहीं. बोर्ड मार्क्स दे देगा 24.16 ठीक है. चलो कितने लोगों का पूरा सही है? सर मेरा. सर मेरा. सर मेरा भी यही आ रहा. सर मैंने लेट जॉइन किया. अच्छा ठीक है सही होगा. वेरी नाइस गाइस. तो बहुत ही अच्छा किया है तुम लोगों ने. किसी को कोई और डाउट है? नो. ठीक है किसी या किसी और सेट का कोई डाउट है तो वो पर्सनली पूछ सकते हैं. मैं आंसर निकाल के भेज. सर एक क्वेश्चन और बच रहा है. सर एक केस स्टडी और है. अच्छा 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 ओके ओके. सो डू वन थिंग ज्वाइन द सेशन अगेन क्योंकि अभी सेशन खत्म होने वाला है.